गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आनंद उर्मलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी घर में होंगे, सुरक्षित होंगे तथा सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन कर रहे होंगे। और जिस तरह से हमारा महाविद्यालय आप लोगों के हित हेतु इस योजना की शुरुआत की है, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस योजना का भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। और ये आशा करता हूं कि इस योजना के माध्यम से आप लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे तथा तो अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे, है ना। आइए बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जिसका नाम है बाबर। शायद सभी ने इसका नाम सुना होगा, क्योंकि इतिहास में इसका नाम अमर है और जब भी इतिहास की बात आती है तो बाबर का नाम जरूर लिया जाता है, है ना। आखिर क्यों क्यों बाबर इतना महत्वपूर्ण है और आखिर इतिहास में या भारतीय राजनीति में बाबर ने क्या योगदान दिया, तो इसके लिए इन सारे जो प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों का जवाब तभी मिलता है जब हम बाबर के पॉलिटिकल बैकग्राउंड को देखते हैं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था और पॉलिटिकल बैकग्राउंड में क्या आता है, उसके राजनीतिक इतिहास में क्या आता है, उसके युद्ध आखिर उसने कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्धों को लड़ा, कौन कौन से युद्धों को उसने पहले टारगेट किया कि इन युद्धों को लड़ने से, है ना, भारत में अपने राजनीतिक प्रभुत्व को बढ़ाया जाए। देखो युद्ध में जैसे बताओ, इतिहास में हमने बहुत सारे शासकों देखे, बहुत सारे शासकों जिन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, लेकिन उतना ज़्यादा उनका नाम नहीं हो पाया या वो उतने अच्छे शासक नहीं कहलाए। युद्ध लड़ना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि पूरी रणनीति के साथ, है ना, पूरी योजना के साथ कि कौन कौन से युद्ध लड़ें जिससे हमारा जो भारतीय राजनीति है, भारतीय राजनीति हमारा प्रभुत्व बढ़े, है ना, और हमारे साम्राज्य का विस्तार हो। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि बाबर जो था, बाबर ने ही सर्वप्रथम भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी, है ना, ठीक है, सन 1526 में। और इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण चार युद्ध लड़े गए, मैं बता दूं कि इन्हीं चार युद्धों के कारण ही भारत में मुगल वंश ने 300 वर्षों तक शासन किया। क्योंकि कहते हैं कि जब शुरुआत अच्छी होती है ना, तो उसका परिणाम भी अच्छा ही आता है, और जब शुरुआत गलत हो जाए तो निश्चित है कि परिणाम गलत आएंगे ही। और मुगलों के सफलता के पीछे बाबर की यही राजनीतिक जो प्रक्रिया थी वो सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाई। सबसे पहला जो इसका युद्ध था, मैंने बताया था, पानीपत का प्रथम युद्ध सन 1526 में हुआ था, जो डेट वाइज मैंने लिखा है यहाँ पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, डेट वाइज इनको याद रखना जरूरी है छात्रों के लिए, है ना, कंपटीशन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के जो मुख्य परीक्षाएँ हैं उनकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास में, है ना, डेट्स का पता होना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम इसने पहला युद्ध जो लड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध सन 1526 में लड़ा था, किसके किसके बीच में लड़ा था, यह दिल्ली सल्तनत काल का जो अंतिम शासक था लोधी वंश का, है ना, इब्राहिम लोधी को के साथ लड़ा था और इब्राहिम लोधी को परास्त किया था पानीपत के स्थान पर, है ना, जिसे पानीपत का युद्ध कहा गया और उसी से शुरुआत हो गई थी मुगल वंश की। लेकिन सिर्फ स्थापना से कुछ नहीं होता है, है ना, बहुत सारे बाहर से आए, है ना, तुर्की आए, तुर्की मुसलमान आए, अफगान आए, है ना, उन्होंने भी युद्ध लड़ा लेकिन भारत में शासन सत्ता स्थापित नहीं कर पाए, है ना। तो उस क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी जो राजनीतिक जो प्रक्रिया थी वह सही रूपों में निर्धारित नहीं हो पाई, है ना। तो बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध सन 1526 में लड़ा और मुगल काल की स्थापना की। इसके बाद उसने जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा वह था खानवा का युद्ध। क्या था? खानवा का युद्ध सन 1527 ईस्वी में, है ना, सन 1527 ईस्वी में इसने खानवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी जहां पर इसने, अब ये प्रश्न उठता है कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ेगा, तो खानवा का जो युद्ध था, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, बाबर और राणा सांगा।
अब राणा सांगा का नाम आप, राणा सांगा उस समय उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। और राणा सांगा कहाँ का शासक था? राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। और मेवाड़ एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक दृष्टि देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण जगह थी मेवाड़, है ना। लोग डरते थे क्योंकि मेवाड़ का जो शासक था राणा सांगा एक शक्तिशाली शासक था, एक महत्वाकांक्षी शासक था, एक वीर शासक था, है ना। तो बाबर, अब देखिए यहाँ बाबर के दिमाग में यह आया कि यदि मैं राणा सांगा अगर रहा आएगा, मेवाड़ बना रहेगा, तो यहाँ पर भारत में मुझे अपने राजनीतिक विस्तार करने में बहुत अधिक कठिनाई आएगी, इसलिए सबसे पहले इसको ख़त्म करो, है ना। नहीं तो जितना जल्दी मैं यहाँ स्थापित हुआ हूँ उतना जल्दी ही मैं यहाँ से निकाल भी दिया जाऊँगा। इसलिए सबसे पहले जो सबसे बड़ा दुश्मन है ये मेवाड़, इसको ख़त्म किया जाए, इसके राजनीतिक प्रभुत्व को ख़त्म किया जाए। और राजनीतिक प्रभुत्व ख़त्म करने के लिए वहाँ का जो हीरो था कौन था? राणा सांगा, उसको ख़त्म कर दें तो पूरा मेवाड़ अपने अंडर में आ जाएगा। तो इसने जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी खानवा का युद्ध सन 1527 में, किससे लड़ा? राणा सांगा से। चूंक मैं पहले ही बताया हूँ कि बाबर के युद्ध में विजयी होने का जो सबसे बड़ा अस्त्र था वह था तोप। चूंक बाबर ने तोपों का प्रयोग किया, राणा सांगा ने युद्ध में वीरता का परिचय दिया। और जब युद्ध आरंभ हुआ था तो राणा सांगा के जो सैनिक थे और राणा सांगा स्वयं, है ना, युद्ध में अपने कौशल का परिचय दिया, जिससे लगा था शुरुआत में कि बाबर खानवा के युद्ध में पराजित हो जाएगा। लेकिन युद्ध का पासा कब पलटा? जब बाबर ने लगातार तोपों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अंत में राणा सांगा युद्ध में मारा जाता है और बाबर के युद्ध में विजय होती है। इस प्रकार उसने सन 1527 ईस्वी में उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली जगह, है ना, स्थान मेवाड़ पर अपना अधिकार, अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया, है ना। तीसरा, यहां मैं जो चार युद्ध लिखा हूं, युद्ध जो उसने लड़े थे, चूंकि मैंने पहले ही बताया था कि राजनीतिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण थे। यदि शायद बाबर ने इन चार युद्धों को न लड़ा होता तो भारत में मुगल 300 वर्षों तक शासन नहीं कर सकते थे, है ना। इसके पीछे की जो कहानी, लोगों को भले लगे कि अकबर ने बहुत काम किया, है ना, कि हुमायूं ने बहुत काम किया, कि औरंगजेब ने किया, कि शाहजहां ने किया, इनका नंबर ही नहीं लगता, क्योंकि जब मजबूत शुरुआत ही नहीं हो पाती, क्योंकि राणा सांगा जैसे यहाँ महान, है ना, शासक थे, तो बाबर यहाँ टिक ना पाता अगर, तो कैसे ये बाद में आते अकबर, शाहजहां, है ना, औरंगजेब जैसे लोग। तीसरा जो इसका सब प्रमुख, चंदेरी, चंदेरी का युद्ध बाबर ने किसके किसके बीच हुआ? चंदेरी को तो बाबर और मेदिनी राय, बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ। कब हुआ चंदेरी का युद्ध हुआ? सन 1528 ईस्वी में। कब हुआ? 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा जो कि मेदिनी राय के बीच हुआ, है ना। अंत में मेदिनी राय युद्ध में पराजित होता है और बाबर की जीत होती थी। जो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था चंदेरी का, क्योंकि मेदिनी राय ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद की थी, तो बाबर ने चूंकि समझा कि जब ये अमुक जो व्यक्ति है, अमुक शासक, इसके साथ मदद कर रहा, अर्थात यह भी मुझे इस भारत से उखाड़ने का प्रयास जरूर करेगा, इसलिए इससे पहले कि दुश्मन मुझ पर वार करे मैं दुश्मन को ही समाप्त कर देता हूँ। तो उसने तीसरा युद्ध लड़ा चंदेरी का युद्ध सन 1528 में, जिसमें उसने मेदिनी राय को परास्त किया और चंदेरी के युद्ध में विजय प्राप्त की। चौथा, चौथा था घाघरा का युद्ध। ऐसा नहीं था कि बाबर यहाँ भारत में आया और बड़े आराम से पानीपत का युद्ध लड़ा और मुगल वंश की स्थापना हो गई, बस मुगल वंश की तो गाड़ी निकल पड़ी हुई, ऐसा कुछ नहीं था। चूंकि बाबर की जो राजनीतिक सोच थी, जो कूटनीति, वह अत्यधिक प्रबल थी। बाबर एक दूरदर्शी शासक था, उसने पहले से ही, दूरदर्शी होने का मतलब क्या है कि पहले से ही आने वाली समस्या को भांप कर उसका समाधान निकाल लेना,
बाबर को ने एक दूरदर्शी शासक का परिचय दिया और पहले से समझ गया कि मुझे खानवा का युद्ध क्यों करना पड़ा, क्योंकि राणा सांगा से डर है, मेदिनीराय से डर है, और चौथा जो उसका डर था क्योंकि अफगानी जो थे, अफगानी अभी शांत नहीं बैठे थे, उधर अफगान बार बार भारत में आक्रमण कर रहे थे, है ना। तो बाबर ने क्या किया कि अफगानी प्लस उधर से आ रहे थे बंगाली, बंगाल के जो कुछ शासक थे, इन दोनों मिलकर भारत में अटैक किए थे। तो बाबर ने उन्हें घाघरा में सन 1529 में घाघरा के युद्ध में अफगानों और बंगालों को इनको पराजित किया। इस प्रकार बाबर ने जो चार प्रमुख युद्ध लड़े थे, उन्हीं इन्हीं युद्ध की बदौलत मुगल वंश ने भारत में 300 वर्षों तक शासन किया, है ना। और शासन किए करने का मतलब सिर्फ शासन करना ही होता, एक व्यवस्थित क्रम में शासन किया, एक सुनियोजित तरीके से शासन किया, है ना। लोग इतिहास में पढ़ते हैं, बहुत सारे शासकों को पढ़ते हैं, है ना, जैसा कि मैंने बताया हुमायूं है, शाहजहां है, अकबर है, औरंगजेब है, लेकिन उसके राजनीतिक प्रभुत्व को नहीं जान पाते। आखिर ये प्रश्न भी बनता है, एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारत में मुगलों के सफलता के पीछे क्या कारण है, आखिर मुगल क्यों सफल हुए भारत में, है ना। या भारतीय राजनीति में बाबर का क्या योगदान रहा। तो आज हमने बाबर के इन चार प्रमुख युद्धों के बारे में पढ़ा। जनरल नॉलेज की नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में, चंदेरी का युद्ध कब हुआ, 1528 में, घाघरा का युद्ध कब हुआ, 1529 में, है ना। तो चूंकि बहुत कम दिनों तक ये शासन कर पाया बाबर ने, और अंत में 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है ना। इसकी मृत्यु कब होती है बाबर की, बाबर की मृत्यु होती है 1530 में, है बाबर की मृत्यु हो जाती है। और बता दें कि बाबर ने एक आत्मकथा भी लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा, और ये प्रश्न आया था MPPSC में कि बाबरनामा के रचयिता का क्या नाम है, बाबरनामा के रचयिता का नाम है बाबर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को ये आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग विषय वस्तु को, है ना, पूरी गहराई के साथ अध्ययन कर रहे होंगे और महाविद्यालय द्वारा चलाई गई इस योजना का लाभ उठा रहे होंगे, है ना। घर में रहें, सुरक्षित रहें, बेस्ट ऑफ लक।